आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव लखनपुर लाडपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर है तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। 1400 वोटों वाले गांव की कमान जाकिर हुसैन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह के विकास कार्य गाँव में दिए हैं और किस किस समस्याओं से गाँव जूझ रहा है, आइए सुनते हैं प्रधान की जुबानी। टुडे 24 में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक भगतपुर टांडा के लखनपुर लाडपुर गाँव में। यहाँ प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाया जा चुका है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे, तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके कार्यकाल को जो है पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने यहाँ करवाए हैं? हमारे यहाँ रोड पड़ गए जी, 10% रोड खुल रहे हैं जी, और आवास बने प्रधानमंत्री वाले जी, और लोही आवास हुए जी, शौचालय से ओडीएफ हो गया पूरा गाँव, शौचालय से शौचालय बन चुके सारे जी। और यहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को? उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो ये हुए हैं मुफ्त में, मिला है। लाभ सभी को मिला है, लेकिन इतना नहीं मिला, पूरी तरह से नहीं मिला ना। यहाँ सरकार की तरफ से जो किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, कितने परसेंट लोगों को मिल रहा है सम्मान निधि का? जो किसानों के खातों में सम्मान निधि का 50% मिला होगा, 50% लोगों को। यहाँ पर स्कूल पर क्या क्या कार्य करवाए आपने? स्कूल पर टंकी लगाई है, फर्श कराए हैं, बाकी और शौचालय बनवाया, सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट लगवाई है, सोलर लाइट नहीं लगवाई है, कूड़ेदान वगैरह लगवाया है, कूड़ेदान लगवाए हैं, कूड़ेदान नहीं लगवाया, नहीं लगवाए हैं, लगवाए हैं। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर है? बारात घर नहीं है, पंचायत घर है, पंचायत घर है, वो भी टूटा पड़ा, टूटा हुआ है। अस्पताल ले गए, कौन ले गए, क्या पता चोर ले गए, अच्छा चोर चुरा कर ले गए हैं, मतलब पूरी ही वो बिल्कुल बेकार खंडर हालत में है। हाँ, खंडर हालत में गिनना तैयार है जी, और एक स्कूल भी गिनना तैयार है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दी, किसी ने सुनी नहीं। अलग कोर्ट के पढ़ते हैं वो बेचारे, स्कूल से अलग हटकर पढ़ते हैं, अलग कोर्ट से पढ़ते हैं। यहाँ पर अस्पताल है? अस्पताल नहीं है, शमशान घाट कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है, बाउंड्री रखी है। सरकार से अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकास करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप रखना चाहेंगे? क्या अब रास्ते होने और बस आवास आने, कितने गरीब लोग अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? गरीब लोग अभी होंगे करीब कम से कम 50-60 तो होंगे। कितने मीटर रास्ता यहाँ अभी कच्चा है? करीब ऐसे ही है, 200-400 मीटर ही है, 200-400 मीटर के करीब में जी हो जाएगा। और यहाँ पर बारात घर के लिए भी आप मांग करना चाहेंगे? बारात घर के लिए तो मांग है ही हमारी, बारात घर के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है, नहीं मिली जी। सफाई कर्मी यहाँ आते हैं? सफाई कर्मी आते हैं। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ प्रधान द्वारा करवाया जा चुका है, जैसे कि सीसी कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी दिलवाए गए हैं, यहाँ लोहिया आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को लाभ मिला है, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो गया, लेकिन अभी भी यहां 50-60 गरीब पात्र ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहां लगभग 400 मीटर रास्ता अभी कच्चा है, जिसके लिए प्रधान यहां पर मांग करते हैं। प्रधान की यहां प्रमुख मांग बारात घर को लेकर है, और सबसे प्रमुख समस्या जो यहां सुनने में और देखने में आई है, प्रधान द्वारा बताया गया है कि स्कूल और पंचायत घर दोनों की हालत बिल्कुल जर्जर है, खंडर हालत में वो इस समय मौजूद है, जिसमें कि बच्चे पढ़ते भी हैं, जिसका नवनिर्माण होना बहुत ही जरूरी है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम है आपका? नाम सुरेश कुमार है सर हमारा। किस पद पर हैं आप ये विद्यालय में? ये सर इंचार्ज अध्यापक हैं हम। ये जो बिल्डिंग आपके जो स्कूल की जर्जर है, यस सर, इस संबंध में किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया? यस सर, डीओ सर को प्रस्ताव बना करके वो भेज दिया है, कई बार भेज दिया है हमने जी। क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई अभी तक? नहीं सर, अभी कुछ नहीं आया, मौखिक रूप से कह देते हैं ठीक करेंगे, तोड़वा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या कोई यहाँ बिल्डिंग की हालत जिस तरह से दिख रही है, कोई हादसा भी यहाँ हो सकता है? हादसा सर बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल। बच्चे थोड़ी बच्चे बैठते हैं सर, बच्चे इसमें नहीं बैठते हैं, बच्चे को दूर रखा जाता है, जब गेम्स का पीरियड होता है तो बच्चे की बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि कोई अंदर ना चला जाए। अच्छा, प्रधान द्वारा यहाँ क्या क्या कार्य किए गए हैं? प्रधान द्वारा सर ये फर्श लगवाया गया है बरामदे में और कमरे में, टैल लगवाई गई है, ईंटों का खरंजा है सर, और ये मरम्मत कार्य हुआ है। अच्छा, यहाँ ग्राम प्रधान समय देते हैं विद्यालय को? यस सर, समय आते हैं सर।